A very good evening, everyone. I'm Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. And welcome to this brand new show, Best Friend Forever. आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बात करती हूँ मेरे co-host संजीव के बारे में. संजीव is a very well-renowned pet expert. ये एक बहुत ही प्रसिद्ध pet expert हैं और आज ये इस शो में मेरे co-anchor बनकर मेरे साथ शिरकत करें. संजीव आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में. Happy to be here. और इस शो के बारे में हम बात करेंगे जो आधे घंटे का शो है. इसमें हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे. हम बात करेंगे हम अपने पेट्स की केयर कैसे करें, उनका बेहतर डेवलपमेंट कैसे करें, उनकी ग्रूमिंग कैसे करें, उनकी केयर कैसे करें, उनका जो लविंग एटीट्यूड है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, और जो मिथ्स हैं उनसे जुड़े उनको कैसे हम बस्ट करें. इन तमाम पहलुओं पर बात होगी हमारे साथ. इन चर्चाओं में जो हमारे साथ शिरकत करेंगे हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट भी होंगे. आप यानी कि हमारे दर्शक हमारे साथ इस शो में शिरकत कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर है 01123097532. एक और फिर बार मैं फिर से बोलूँगी 01123097532. इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए, अपने जो भी सवाल हैं आपके पेट से जुड़े हमसे पूछिए, हम आपके सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे. बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन खाली ये नहीं कि फरी बॉल्स के बारे में ही हम बात करेंगे. लेकिन हाँ, हम रैबिट्स, गिनी पिग्स, जो भी पेट्स आप सोच सकते हैं कि जिन भी जानवरों को एक पेट बना के हम अपने घर में जगह दे सकते हैं. सो डॉग्स, कैट्स, जो भी आप सोचेंगे, हम हर तरीके के पेट के बारे में बात करेंगे. और इसी से लिंक्ड ऑब्वियसली बात यह है कि खाली हम, जैसे मैंने बोला कि फरी बॉल्स को नहीं लेके आना है, हम हमारे इंडियन ब्रीड्स जो हैं उनके बारे में भी जानकारी और हासिल करेंगे आज, और उनके बारे में बात करेंगे. सो अडॉप्शंस डेफिनेटली समथिंग व्हिच वी लव टू टॉक अबाउट, एंड इंडियन ब्रीड्स के साथ में हमारे इंडीज हमारे हमेशा प्राइम रहेंगे. और ये हमारा फोकस भी है कि इंडियन ब्रीड के जो डॉग्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि वो नेसेसिटी है. और संजीव, अगर मैं गलत नहीं बोल रही, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एम्फेसिस यही रहा है. बिल्कुल, एक बहुत खूबसूरत हमारे पास इसके लिए एक वीडियो है आपके लिए, तो आइए वो देखते हैं. अडॉप्टिंग एनी पेट इज वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन जेस्चर्स. अपने ही आसपास अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमें कई पेट लवर्स मिलते हैं. अक्सर उनको वॉक पे ले जाते हुए, गाड़ी में घुमाते हुए या उनके साथ खेलते हुए, बट मोस्टली फॉरेन ब्रीड्स. A dog is for life. It is like a child. It is with you for life. In return, it will give you a lot of joy, a lot of pleasure, and guard you with its life. तो लड्डू हमारे घर का बहुत special member है. We would say हम लोग उसको एक pet नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे he is like our kid. I think the most rewarding thing to have a pet is to cuddle and get their love. कहीं ना कहीं we somehow undervalue the importance of our own Indian breed. They too deserve our attention and love. Emotionally, Desi dogs need as much love and attention as any other breed, because they are also very sensitive and very, very attached to their owner. I think just to love. I mean, they don't judge me for who I am, what I've done morally or any otherwise. मेरा dog जो है वो काफी expressive है, तो जब भी वो मुझसे नाराज होता है या जब भी हम उसको डांटते हैं, तो किस तरीके से वो अपना उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज हो जाता है, उसके वो कैसे आंखें चुराता है, तो आई थिंक वो देखना बहुत फनी होता है हमारे लिए. इंडी डॉग्स आर एज गुड एज एनी अदर फॉरेन ब्रीड, इवन बेटर देन देम, और उनकी खूबियों का पता भी लगता है.
बहुत सारे ऐसे ब्रीड डॉग्स हैं जो यू नो ये क्लाइमेट को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं. हेल्थ वाइज एंड मेडिकली दे आर इजी टू लुक आफ्टर. दे आर नॉट प्रोन टू लॉट ऑफ हेल्थ कंडीशंस दैट पेडिग्रीड एंड ब्रीड डॉग्स आर प्रोन टू. गलती से भी अगर वो कभी इन्फेक्ट हो गया तो जो रेजिलियंस इंडी डॉग्स में आपको देखने को मिलेगी वो ब्रीड डॉग्स की नहीं होती है. Because of their high immunity, no selective food choices. Grooming friendly, loyal in nature. Even they are quick in responding to one who shower love on them. I don't have to do anything except taking them for a walk. They keep themselves fit. If they're not feeling well, they'll not eat food. So you don't have to do anything with Indies at least. Pets ko leke jaate hain bahar groom karne ke liye. जो कि इंडियन ब्रीड के साथ आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा. आप घर पे आराम से उनको ग्रूम कर सकते हैं. एंड फैक्ट इज दे आर इजीली अवेलेबल, इजी गोइंग एंड अफोर्डेबल एंड पोजेस ऑल द क्वालिटीज व्हिच वी लुक इन एनी पेट बिफोर अडॉप्टिंग और परचेसिंग. अडॉप्ट वन पेट बिकॉज द काइंड ऑफ लव अफेक्शन इंटेलिजेंस दैट इज एब्सोल्युटली एट पार विद एनी अदर ब्रीड. लॉट ऑफ द डिफेंस फोर्सेस आर आल्सो कंसीडरिंग टेकिंग ऑन देसीज ऑन द टीम बिकॉज दे आर सुपर इंटेलिजेंट. इट इज इजी टू ट्रेन देम दैट वे. कभी भी अगर कोई डिलीवरी पर्सन आता है तो हमको पहले ही पता चल जाता है कि बेल बजने वाला है लॉन्ग बिफोर हमारा बेल बजता है. हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने मन की बात की सीरीज के जरिए इंडियन स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करने की बात कही. जब भी आप डॉग पालने की सोचें आप जरूर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं. द गुड न्यूज इज मेनी पीपल आर नाउ एक्चुअली अडॉप्टिंग देम. खास करके सेलिब्रिटीज इन्हें अपना रहे हैं और एनजीओस ने इसी दिशा में जरूरी पहल करनी शुरू कर दी है. आई थिंक आवर माइंडसेट शुड चेंज नाउ एंड वी शुड ट्राई एंड बॉयकॉट ब्रीडर्स एंड स्टार्ट अडॉप्टिंग. इफ यू वांट अ पेट फॉर अ पेट It's an Indie. बहुत ही खूबसूरत स्टोरी संजीव. पेट पेरेंट्स की कहानी, उनके ओनर्स की कहानी, उनकी जुबानी. आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आप लोगों को हमारे खास मेहमानों से जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं डॉक्टर शिव हरि वर्मा जी का, वेटनरी ऑफिसर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत. और निधि हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि को फाउंडर हैं पॉश फाउंडेशन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और अपने व्यूअर्स से मैं एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें कॉल करें. ये फ़ोन इन सेगमेंट है हमारा. हमारा नंबर है 0112309 7532. इस नंबर पे आप हमें कॉल करिए, अपने सवाल हमसे पूछिए, हम अपने एक्सपर्ट से ये सवाल पूछेंगे आपके. संजीव, ये जो अडॉप्शन की बात हुई, ये जो स्टोरी हमने देखी कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए, ये सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है. बिल्कुल. देखिए, बहुत रिस्पेक्ट में हम लोग इस चीज़ के साथ काम भी करते आए हैं बहुत सालों से. लेकिन उसके पहले हम एक ब्यूटीफुल हमारे पास गेस्ट है निधि जी के साथ में आया हुआ है. तो लेट्स हैव आवर फोर लेगेड लव्ड वन, उनको बुलाते हैं स्टेज पे. हेलो देयर. So, निधि, आपने क्या नाम रखा है इनका? इनका नाम है निंजा. निंजा, बहुत इंटरेस्टिंग ये नाम है. मैं थोड़ी कहानी पूछना चाहूंगी. अच्छा, शो से पहले हमारी बात भी हो रही थी निधि, आप बोल रही थी कि इनको निंजा नहीं, निंजा मिश्रा बुलाएं. मेंबर ऑफ माय फैमिली एंड ये एक रेस्क्यू डॉग है. किसी ने इसको एक बोरे में भर के कूड़ेदान में फेंका हुआ था. अच्छा. ये बंधा हुआ था बोरा. हाउ सैड दैट इज. या, और बहुत सूखी हड्डी सा बच्चा लेकर आई थी जब मैं इसको लेकर आई थी. और अब आप इसको देख रहे हैं कि लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है जब आप किसी नीडी एनिमल को लेकर आते हैं और उसको एक अच्छी लाइफ देते हैं. और हमारे जो इंडी डॉग्स हैं ये इक्वली इंटेलिजेंट और यू नो एक्सेप्टेबल होते हैं जो भी हम इन्हें ऑफर करते हैं अपने घर में. तो डॉक्टर साहब, आपसे बड़ी दोस्ती हो गई है जी. तो दिस शोज द लव दैट यू पुट इनटू योर यू नो ट्रीटमेंट आई गेस. क्योंकि जानवर ये जानता है और सिक्स्थ सेंस बहुत ही ज्यादा शार्प होता है इनका. एंड शायद वो आपसे कनेक्ट कर गया एकदम से आते ही. पहली बार आप मिले हैं मेरे ख्याल से? पहली बार मिला हूं मैं निंजा से एंड शी इज सच ए लवली इंडी. सो हम हमारे जो इंडीज हैं उनके लिए बहुत लोग काम करते आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया. हम लोग बहुत कोशिश करते आए कि काफ़ी एक स्ट्रक्चर ऐसा हो
कि सब लोग मिलके इस चीज को अप्रोच करें, लेकिन जो भी जहां भी कर रहा है, जैसे निधि आप बताइए थोड़ा पॉश के बारे में, एंड आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए। पॉश फाउंडेशन एक संस्था है जो कि सिक और इंजर्ड स्ट्रे एनिमल्स को हेल्प करती है। जो भी सड़क पे जानवर हमें घायल मिलते हैं, घायल अवस्था में, उन्हें हम लेकर आते हैं। एक छोटा सा मेडिकल सेटअप है हमारा। इसके अलावा मैं डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से। तो जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोगों को प्रमोट करते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं कि इंडियन डॉग्स भी उतने ही इक्वली अफेक्शनेट हैं, और आप उन्हें इनक्रेज करते हैं अडॉप्शन के लिए। अच्छा, मैं एक सवाल था संजीव मेरे मन में जो मैं निधि से पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल। कि पेट्स को लेकर के लोगों के मन में बहुत झिझक होती है, डॉक्टर साहब बहुत झिझक होती हैं, बहुत सोचते हैं कि हम अगर पेट अडॉप्ट करेंगे तो केयर कैसे करेंगे, ग्रूमिंग कैसे करेंगे। अच्छा, ग्रूमिंग और केयर अगर हो जाती है तो सोसाइटियल जो एक, मैं थोड़ा ये सवाल जल्दी ले रही हूँ, जो एक्सेप्टेंस है, कई बार हमने ये देखा है क्योंकि काफ़ी स्टोरीज आती रहती हैं, तो सोसाइटियल जो एक्सेप्टेंस है उसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं हमें पेट नहीं चाहिए हमारी सोसाइटी में, या ये नहीं चाहिए, तो इसका हम किस तरीके से, कोई लॉज हैं, रूल्स हैं, डॉक्टर साहब आप बता दें। रूल ये कहलाता है कि आप किसी भी सोसाइटी में मना नहीं कर सकते हैं किसी को भी पेट्स रखना, क्योंकि पेट्स रखना आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है और वो आप अपने घर पे रख रहे हैं। और जैसे डॉग वॉकिंग वगैरह कराने में भी ऐसा कोई आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि आप सोसाइटी में डॉग वॉक नहीं करा सकते, या किसी भी तरीके की कोई भी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी ऐसा कुछ भी नहीं रूल बना सकती, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अबव एवरीथिंग एंड दे हैव अलाउड अस टू कीप पेट इन द सोसाइटी बिटवीन ह्यूमन एंड एवरीथिंग। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रेगुलेशन कोई भी आरडब्ल्यू पुट अप नहीं कर सकता है, बिकॉज दे हैव टू अडेयर द लॉज, बिकॉज आई थिंक अल्टीमेटली दे आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, ऑफ कोर्स दे आर इक्वल अ मेंबर, अपनी पर्सनल चॉइस है। हाँ, आप इतना कर सकते हो, जो पेट पेरेंट है वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आपका पेट किसी को बॉदर नहीं कर रहा है। नहीं देखिए, डेफिनेटली कुछ गाइडलाइंस हैं इस चीज के, जो कि अगर वो गाइडलाइंस हम फॉलो करें तो सब लोगों के लिए एक जगह बनती है, पेट्स के लिए भी, पेट लवर्स के लिए भी, नॉन पेट लवर्स के लिए भी। तो हाँ, एक वो रिस्पेक्ट हमारे को मेंटेन करते हुए, हमारे को ऑब्वियसली द होल शो इज अबाउट आवर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। सो आप बताइए इसके अंदर और क्या आप बताना चाहेंगे पेट ओनरशिप के लेके, क्योंकि हम खाली डॉग्स के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, डॉग्स, कैट्स, हैमस्टर्स, गिनी पिग्स, जो भी पेट्स अलाउड हैं उसके लिए क्या एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो पेट ओनरशिप को लेके। संजीव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं सभी में एक पशु चिकित्सा विभाग है, और वो कुछ फीस लेके और एक एंटी रेबीज जैसे टीकाकरण होता है वो होना चाहिए पेट का, और रजिस्ट्रेशन करते हैं कुछ फीस लेके तो आप लीगली पेट रख सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। जी। नंबर दो ये है कि पेट रखना भी एक जिम्मेदारी का काम है। बिल्कुल। तो मेरी इतनी गुजारिश जरूर है कि आप जब ऐसा सोचें तो अपने मन में अपने आप को तैयार करें कि आप एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं और वो आप पे निर्भर है। और ये जिम्मेदारी बिल्कुल वैसी है जैसा आप अपने बच्चे के लिए आपकी जिम्मेदारी होती है। तो क्योंकि ये भी बीमार होते हैं, इनको भी आपके प्यार की भी जरूरत है, इनको थोड़ा सा समय भी आपका चाहिए। डॉक्टर साहब, इस चीज को लेके कई बार काफी लोग सोचते हैं कि टीकाकरण कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो आप थोड़ा जानकारी दें सारे व्यूअर्स को कि टीकाकरण में आप क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं। अभी वर्तमान में देखिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है इनमें वो होता है एंटी रेबीज, जो पागल पशु के काटने से बीमारी होती है, तो इन्हें भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है जी, क्योंकि सिर्फ जो पागल कुत्ता होता है उसी के काटने से ये बीमारी होती है, तो उसका टीकाकरण समय समय पे लगता है जी। 3 महीने की उम्र पे लगाते हैं, उसके 6 महीने बाद एक बूस्टर डोज, और फिर सालाना एक टीका लगता है। उसके अलावा इनकी बीमारियां हैं अलग अलग, तो उनके टीके होते हैं बीमारियों से बचाव के, वो ह्यूमन की तरह है, आप कितने लगवा सकते हैं। कुछ बीमारियां बहुत प्रिवलेंट हैं, अभी ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं राय दूंगा कि वो लगवानी चाहिए। 6 बीमारियों का एक टीका होता है VHPPIL, तो वो लगवाना चाहिए। उसके बाद इनमें कैनल कफ का टीका होता है, एक कोरोना वायरस का टीका है, जो ह्यूमन से संबंध नहीं है उसका कुछ भी। डिस्टेंपर भी अभी भी जरूरी। डिस्टेंपर 6 में से 6 जो बीमारियों का टीका है उनमें से एक टीका डिस्टेंपर भी होता है। डी फर्स्ट जो लेटर है, डी स्टैंडिंग फॉर डिस्टेंपर। बिल्कुल। और काफ़ी बीमारी होती है वो, खासतौर पर जो हमारे गली
के कुत्ते हैं जिनको वैक्सीन नहीं हो पाती है, तो वो बीमार हो रहे हैं अभी भी। अच्छा, ये बात हो रही थी संजीव की, अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं पेट्स को, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच पेट यू आर अडॉप्टिंग, तो उसमें बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपने पेट की केयर करें, चाहे फिर वो डॉग्स हों, कैट्स हों, जो भी हो। तो उसमें अक्सर ये देखा गया है निधि, कि जब भी आपके पेट्स बीमार पड़ते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको अबैंडन कर देते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने निंजा की कहानी अभी बताई। निंजा तो खैर एक स्ट्रे थी जिसको लोगों ने रिलोकेट करने के पर्पज से अबैंडन किया, बट लोग क्या करते हैं कि जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाते हैं, तो वो इजी वे आउट सोचते हैं कि जाके शेल्टर पे, या शेल्टर पे भी नहीं, सड़क पे भी, कहीं पे भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल, इस चीज के बारे पे मैं जोर दे रही हूं। वो बहुत ही बुरी कंडीशन में, एक तो वो बीमारी से जूझ रहा होता है, दूसरा अबैंडनमेंट से। वो एक मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस भी उस एनिमल को झेलना पड़ता है, जिसमें मोस्टली 80% सर्वाइव नहीं कर पाते, 20% रिस्क है एनिमल शेल्टर पे। और अगर आप अडॉप्शन का सोच भी रहे हैं, नहीं पालना है आपको इंडिया, आपको ब्रीड डॉग ही पसंद है, तो प्लीज अपने आसपास के किसी एनिमल शेल्टर पे जाइए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको घर की जरूरत होती है, जिन्हें आप अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए, निंजा को तो आपने एक बहुत लविंग प्यारा घर दिया, एंड बहुत ही खूबसूरत है निंजा, वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई अडॉप्ट करना चाहता है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि अडॉप्ट करें इंडियन ब्रीड्स को, एंड हम बार बार ये बात रिपीट भी करते हैं, तो एडॉप्शन का प्रोसेस जो है, खाली ये नहीं कि आपके यहाँ से, लेकिन अगर कोई भी चाहे, ऑल ओवर इंडिया काफ़ी लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए या क्या प्रोसेस है? जो हम फॉलो करते हैं, जो कि प्रोसेस बहुत अभी तक का सक्सेसफुली हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वो ये होता है कि पहले तो आप बच्चे से मिलिए, उसे अडॉप्शन के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हुई, इसके बाद एक हाउस चेक फॉर्मेलिटी होती है, जिसमें हम जाके देखते हैं कि आपके हाउस में बाकी फैमिली मेंबर्स भी इस चीज़ को अग्री कर रहे हैं, सबका मिला जुला डिसीजन है। आपसे ये चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे कॉलर जुड़ गए हैं जिनका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था। संध्या जी इस वक्त हमारे साथ फोन पे जुड़ रही हैं। संध्या जी, आप प्लीज अपना सवाल हमसे पूछिए। संध्या जी, आपका सवाल। हाँ, द क्वेश्चन इज दैट माय डॉग सिजू हैज इज फुल ऑफ टैंगलिंग इश्यूज। फुल ऑफ टैंगल्स? यस। अच्छा, और कोई कौन सा ब्रीड है आपका ये पेट? शिट्ज़ू है। शिट्ज़ू, ओके। सो शिट्ज़ू ब्रीड है आपके पास, और कोई आपका एडिशन है उस सवाल में, या आपका यही जो टैंगल्स हैं उसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? टैंगल ही एक प्रॉब्लम है, टैंगल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब बताइए, टैंगल्स मतलब गांठें पड़ी हुई हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल सा एक एलिमेंट है जो कि काफी बार देखा जाता है इंडिया में, क्योंकि सारे हेरी ब्रीड्स को टैंगल्स गांठें पड़ते हैं। सो निंजा लगता है शिफू शिज़ू के बारे में सुन के थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए हैं, लेकिन आप बताइए कि टैंगल्स के बारे में डॉक्टर साहब क्या किया जा सकता है? संजीव जी, देखिए, ये कंघी लगातार ना करने की वजह से बाल उलझते हैं और वो गांठें बन जाती हैं जी। और ये लॉन्ग हेयर ब्रीड्स जो भी हैं जिनके लंबे बाल हैं, वो बड़ा कॉमन होता है जी। तो अब संध्या जी को मेरे ख्याल में एक बार बाल कटवाने चाहिए उसके। तो सोल्यूशन है कि आप कैसे ग्रूमिंग कर सकते हैं, ब्रशिंग करिए और ध्यान रखिए अपने पेट्स का। ओके, सो वीव गॉट अ नेक्स्ट कॉलर। आई गेस संध्या जी को जवाब मिला, लेकिन जब तक दूसरा कॉलर हमारा कनेक्ट हो रहा है, डॉक्टर साहब देखिए, ब्रशिंग जो है, हम अपने बालों की तो रोज करते हैं जी, चार बार पांच बार, जितनी बार हम आईने के सामने पहुंच जाते हैं हम अपने बालों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला कि हम अपने पेट्स को जो लेके आते हैं, शायद ये सोच के कि उनके बालों को ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं है, या छोटे बाल हैं उनकी वजह से शायद ये नहीं करते हैं। और विंटर्स में जो केयर आप लेना चाहेंगे, आप बताइए, आप ग्रूमिंग के लिए क्या क्या करते हैं? रेगुलर ब्रशिंग सर, रेगुलर ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ हेयर लेंथ। वी विल टेक द कॉल इन। द नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम फ्रॉम लुधियाना, मिस्टर दलबीर सिंह। दलबीर जी, आपका सवाल बताइए प्लीज। दलबीर जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारा शो, एंड वेलकम टू द शो। आप अपना क्वेश्चन बताइए प्लीज। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम एक पेट को पालते हैं, वो कुछ दिक्कत की वजह से वो हमको छोड़कर चले जाते हैं, और परिवार जैसे ही हमको जो कोई बन जाते हैं, तो हम कैसे मेंटली प्रिपेयर कैसे हों? बहुत अच्छा सवाल है वैसे ही, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपसे ही पूछूंगी निधि, कि उन्होंने बोला कई बार ऐसा होता है, दलवीर जी लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल है कि कई बार ऐसा होता है हम पेट्स लाते हैं अपने घर पे, रखते हैं, उनसे इमोशनल अटैचमेंट हमारा हो जाता है, उनकी ग्रूमिंग करते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं, इमोशंस डेवलप, बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो हमें कभी छोड़ करके चले जाते हैं,
तो क्या सिचुएशन होती है, उससे हम कैसे उबरें, ये बहुत ज़रूरी है। द बेस्ट वे जो द बेस्ट वे होता है वो आप प्लीज़ तुरंत किसी दीदी बच्चे को उनका रिप्लेसमेंट दीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे लोग होते हैं उस चीज़ को सोचते हैं कि अब हम दोबारा नहीं कर पाएंगे और वी विल नॉट बी एबल टू मेक इट, पर द बेस्ट आपका हीलिंग के लिए भी अच्छा है और आप उस बच्चे की जगह किसी को दे रहे हैं तो उस एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी ला रहे हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। टू कम अप विद दिस, बेस्ट है कि आप तुरंत घर पे दूसरा बच्चा लेकर आए। परफेक्ट। देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत पेट की हम इतनी बार देर से बात कर रहे हैं और एक पेट है हमारे पास जिसकी ग्रूमिंग के बारे में कुछ एक वीडियो हमारे क्रिएटिव टीम ने अच्छा क्रिएट किया है। सो आइए वो देखते हैं प्लीज। आज जो मैं ग्रूमिंग करने जा रहा हूँ इसका नाम मिस्टर केमुटाकू है। ये फ्रेंच टॉय पूडल है। केमुटाकू जब 6 महीने का था तब से मैं उसके साथ ग्रूमिंग कर रहा हूँ। अब उसकी उम्र 6 साल की हो गया है तो काफ़ी अच्छा से मेरे साथ बॉन्डिंग अच्छा हो चुका है। तो मेरे को अच्छी तरह से समझता है, मैं भी उसको अच्छी तरह से समझता हूँ कि उसको क्या अच्छा लगता है या उसको पता है कि मैं किस टाइप की ग्रूमिंग करना चाहता हूँ तो मुझे आराम से करने देता है। 100 ब्रीड के लिए बाल मेंटेनेंस करना पड़ता है। रोलिंग प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है कि सारे बाल इकट्ठा ये करके हम लोग टिशू के साथ इसको बांधते हैं ताकि बाल इनकी ना झड़े ना टूटे, क्योंकि 100 के लिए लंबे लंबे बाल चाहिए होते हैं और ऐसे अगर खुला रखेंगे तो लंबा मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। जब नहलाने जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि गर्म पानी, ठंडा बिल्कुल पानी ना हो, कोसा पानी होना चाहिए ताकि ठंडा ना लगे। शैम्पू अच्छी कंपनी का हो, कंडीशनर भी अच्छी कंपनी का हो ताकि इसकी बाल ख़राब ना हो, इसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब मैं ग्रूमिंग करता हूँ उसका तो थोड़े टाइम के लिए अगर मैं बाटों पे उसको छोड़ भी देता हूँ तो वो राउंड राउंड ऐसे घूमने लगता है। राउंड राउंड ऐसे घूमता है कि आओ मेरे पास ही आओ, कहता है कि छोड़ के ना जाओ, तो उसको अच्छा लगता है। नहलाने के बाद फिर इसके टॉवल स्पॉन्ज करूँगा, उसके बाद सुखाने के लिए लेकर आऊँगा। ड्रायर के साथ साथ ब्रशिंग करना जरूरी है ताकि उसके बाल खराब ना हो। हर रोज कंघी करना बहुत जरूरी है ताकि बालों में गांठे ना पड़े। अगर गांठे पड़ जाते हैं तो इन्फेक्शन की चांसेस होती है, डैंड्रफ हो सकती है। स्पेशली पूडल के अलग सी कटिंग होती है, अलग सी इसकी लुक होती है जो हर ब्रीड में नहीं होती है। पूडल का जैसे पॉ की बाल रिमूव कर देते हैं तो एक बूट जैसा बन जाता है, फेस की बाल रिमूव कर देते हैं और 3-4 जगह पम्पम बनाते हैं, 2 बैक पे बना देते हैं, 4 पैर में पम्पम बनता है तो देखने में बहुत सी क्यूट लगती है। टॉय ब्रीड पूडल की जो बाल होते हैं वो कभी झड़ते नहीं है, ये खासियत होती है टॉय पूडल की। संजीव, हमने देखा कि किस तरीके से ये ज़रूरी होता है कि ग्रूमिंग करी जाए और ख़ासकर जब सर्दियों का मौसम होता है तो ये कितनी ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल, आपने ग्रूमिंग टिप्स भी देखे कि बहुत आप इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखें कि उनकी ब्रशिंग लगातार करें और उनके साफ़ सफाई के बारे में ध्यान रखें। एंड इसी के साथ यस, ग्रूमिंग का ध्यान रखते हुए एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। राहुल जी। हाँ जी बोलिए, आपका सवाल बोलिए प्लीज़। नमस्कार सर, अभी हमारे पास कुछ लोग के पास इतना नहीं रहता है कि वो पेट्स अफोर्ड कर सके, पर वो चाहते हैं कि जो भी हमारे पास पेट एनिमल्स आते हैं उनको हम खाना खिलाना चाहते हैं। तो अगर
मैंने कैट को ऐसे ही खिलाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो कैट अपने पूरे फैमिली मतलब 3-4 चिल्ड्रन उनके साथ लेके हमारे घर के पास ही आके बैठ गई। तो हम उनको कैसे केयर करें कि वो हमें परेशान भी ना करें, एट द सेम टाइम हम उनका थोड़ा केयर भी कर सकें। वो दो तीन चीज और पूछना चाह रहे हैं, लेकिन हमको सूक्ष्म में थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नाउ रनिंग आउट ऑफ द टाइम। तो अफोर्डेबिलिटी एलिमेंट हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप डॉक्टर साहब, थोड़ा सा और उसके अंदर आप बताइए प्लीज। बहुत खर्चे वाली बातें नहीं होती हैं, अभी आप पे निर्भर करता है कि आप कितना क्या खर्च करते हैं। आप घर के खाने के साथ में एक बैलेंस डाइट बना के कि प्रोटीन हमने देना है, हमने साथ में फैटी एसिड्स देने, तो एक आप घर की डाइट भी बना सकते हैं। ये नहीं है कि आप बहुत महंगा खाना खरीदें, आप घर पे ग्रूमिंग कर सकते हैं। आपने बस ध्यान ये देना है कि डाइट जो है आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो और वैक्सीनेशन वगैरह हैं, नॉर्मली साल में एक बार लगते हैं, तो कोई इतना खर्चा नहीं होता है कि बहुत घबराया जाए। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि जी, अब इसी के साथ इट्स टाइम टू रैप अप दिस शो। थैंक यू सो मच टू आवर गेस्ट फॉर कमिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो टुडे। संजीव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल को-होस्ट। थैंक यू सो मच आवर गेस्ट्स ओवर हियर, निधि और डॉक्टर साहब, यू हैव बीन ब्यूटीफुल, एंड आपके जो इनपुट्स हैं हमारे पूरे देश के सारे पेट ओनर्स के काम आए। निंजा को भी हम थैंक यू बोलेंगे, निंजा फॉर पार्टिसिपेटिंग। यस, and with that we'll see you again next week in a brand new episode. Till then take care and thank you for watching. Thank you so much. mere do pugs hain to chor unko ek kamre mein band karke chale gaye, but agar hamara dog hota ya bali hota to at least matlab kuch nahi to at least alert karta ya bhaukta ya kuch to karta. when she was about a week old in our house and there we come back to the room with all torn books that were there in the room. The air purifier was disconnected because she chewed off the wire. So I think that's the naughtiest thing she's ever done. कोई भी उसको बिल या कोई भी पेपर अगर उसे दिखेगा तो उसको फाड़ना ही फाड़ना है, जैसे कि उसकी आत्मा तृप्त हो गई वो काम करके। तो बहुत पिटाई होगी रोजा तो अभी किसी। Yes, बस ये करता है ये। Unify. Unify. Unify.